तो फिल की फैमिली इविल नन अपना आतंक बचाने अब पीसी पर भी आ चुकी है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोबाइल से इसका ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल पर है ऑब्वियसली, क्योंकि वो मोबाइल का वर्जन था, ये पीसी का वर्जन है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि इसका गेम प्ले बिल्कुल अलग है। मतलब बेसिक वही है कि इविल नन स्कूल के अंदर बंद कर देती है और आपको एस्केप करना है, पर इसमें एस्केप करने का तरीका नया नया डाल दिया गया है। तो चलो फिर आज के गेम प्ले किया जाए स्टार्ट। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ भी हूँ लेकिन एक्साइटेड भी काफी हूँ इसका ग्राफिक्स देखकर। और इविल नन के टूटे हुए दांत के लिए एक लाइक, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। नाम चेंज कर लिया जाए, नाम मैं अपना रख लूंगा अरमान। चलो ठीक है, डन किया जाए, स्टार्ट किया जाए बॉयज, सब मजा आने वाला है। खतरनाक ग्राफिक्स बना दिया है, बस गेम भी उतना ही इंटरेस्टिंग हो तो मजा ही आ जाए। बच्चे को बैठा के ले जाया जा रहा है इविल नन के स्कूल। ओके, जिंगल बेल सही है। ये अच्छी वाली नन है जो गाड़ी चला रही है। तो इविल नन के स्कूल में मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। अरे अरे अरे, ओए, ये ऐसा नहीं लगा कि मुझे ठोकने वाली थी, ये कौन है? बच्चा, इसको क्या हो गया है? इविल नन आ चुकी है, कैद करके मुझे स्कूल में डाल दिया गया है। पहला दिन, अच्छा 5 दिन मिलते हैं, याद आ गया मुझे। अगर मैं 5 दिन में भागा नहीं तो वाट लग जाएगी और मेरे मुंह पे मास्क पहना दिया जाएगा और मुझे दूसरे बच्चों के साथ नीचे डाल दिया जाएगा तहखाने में। मुझे अच्छे से बिहेव करना है, मैं अरमान हूं और मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा यहां पर। ये इविल नन जबरदस्ती लिखवाती है भाई साहब। रूम तो वैसा ही लग रहा है लेकिन थोड़ा अलग। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि इविल नन पकड़े उससे पहले स्कूल से भागना है। यहां पर किसी तरह का नोट है, ओके उठाया जाए इसको। अच्छा, ये बच्चा भाग चुका है स्कूल से पहले और ये मेरी मदद करेगा। जहां भी हाथों के निशान रहेंगे उसको फॉलो करना है। और ये 3 ऑब्जेक्टिव दिया है, 3 फ्यूज ढूंढ के लाना है। ओके, तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव है फ्यूज ढूंढना, ठीक है, और उसको फ्यूज बॉक्स में लगाना है जो कि सेकंड फ्लोर पे है। और सेकंड फ्लोर पे जाने की सीढ़ी भी मिल गई मेरे को। तो 3 फ्यूज बोला ना, एक नन के रूम में, नन का रूम पता नहीं कहाँ है लेकिन ये तो आई थिंक किचन जैसा लग रहा है। एक फ्यूज मिल गया अपने को, ठीक है, लेकिन इसको लगाना कहाँ है? हाथों के निशान, उसको देखते चलो। अरे वो भाई, दूसरा फ्यूज भी मिल गया लेकिन लगाना कहाँ है? हाथों के दिखा मुझे, हाथों के निशान दिख रहे हैं सामने। ग्राफिक्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पहले मैं 2-3 बार बोल चुका हूं बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सही है, फ्यूज बॉक्स मिल गए अपने को, 3 फ्यूज लगाने हैं। आवाज होगा क्या? इस म्यूजिक से नन आएगी? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। एक फ्यूज यही था ना? हाँ, आ गई, मनहूस आ चुकी है। किधर है, किधर है? ओ, इधर ही आ रही है। वो लाल रोशनी दिखे ना, समझ लो कि नन आ रही है, वो उसकी आंखों की लाल रोशनी है। सस्ती सुपरमैन। एक और नन के कमरे में, नन का कमरा जहां तक मुझे याद है फोन में नीचे हुआ करता था, ऐसे फोन वाले वर्जन से बहुत ही अलग बनाया है लेकिन चलो ठीक है। अरे देख लिया, देख लिया, भागो भागो। क्या खतरनाक स्टाइल में खड़ी भी थी, किधर से आ रही है? Don't run away. Summer camp is so much fun, right? तो इविल नन का कहना है कि भागो मत, समर कैंप में इतना तो मजा आता है। मुझे तीसरा फ्यूज मिल गया है। Do you think I won't find you? Take care of your shadow. ये तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? अपनी परछाई का ख्याल रखो, यानी कि मेरी परछाई देख के ढूंढ लेगी मेरे को। मैं घूम फिर कर अपने कमरे में वापस आ गया हूं। ये देखो, ऊपर जाना है, बस फ्यूज तक पहुंचने देना मुझे। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी। चलो ठीक है, ये काम हो गया। तो अब डोर खोलकर ब्रिज पार करना है, लेकिन डोर है कहां? Get out of my dining room. ये भी अब ऊपर ही घूम रही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ,
रुकना मत, रुकना मत मेरे भाई, दूर दिख जाए मुझे बस, भागते रहे भागते रहे। डोर मिल गया, डोर मिल गया। तो अच्छा बच्चा कैसे बनना है ये इविल नन सिखाएगी, मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं बनना अच्छा बच्चा। कहां से भागू, भागने की कोई जगह नहीं है, मैं मर गया मां कसम। The next time you disobey me, I will hit you harder. 3 या 4 दिन और बचे हैं मेरे पास। चलो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, मेरे को डोर भी मिल गया है। इसमें मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इविल नन चीटिंग कर रही है, जहां मैं जा रहा हूं ना गायब होके बस उसी एरिया में आ जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखना ये देखो फिर लिखाया। ठीक है मैं अरमान हूं और मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं नहीं बनने वाला। एक काम करो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना नाम लिखो और लिखो कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, मतलब यही स्टेटमेंट, बस मेरे नाम की जगह अपना नाम डाल दो, मजा आ जाएगा। यही डोर था कसम से यार। ना डोर खुला आ गई, गेट ने बहुत ज्यादा आवाज की, ठीक है इसलिए आ रही है। ये बिल्कुल नया एरिया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था मोबाइल में, ये बंद है भाई साहब। फाउंटेन वाउंटेन सब का बंदोबस्त करके रखा हुआ है, ओपी गेम बनाया भाई इविल नन। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि एक बार मैं ब्रिज पार कर जाऊंगा तो स्कूल के मेन एंट्रेंस के बगल में एक रूम है, उसमें एक पेंटिंग है, पेंटिंग में जो भी बोला गया है उसको फॉलो करो। भाई ये कैसा ऑब्जेक्टिव है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्कूल का मेन एंट्रेंस कहां है। ये तो स्कूल का हॉल लग रहा है, मेन एंट्रेंस चाहिए अपने को। मेन एंट्रेंस दिख गया, ये मेन एंट्रेंस है, इसके बगल का रूम यही है, हाथ की निशान है। पेंटिंग ऊपर देखने बोल रही है, ऊपर क्या है? हाँ, ये देखो पेंटिंग ने बोला ऊपर, लेकिन ऊपर कैसे पहुंचू मैं? अच्छा एक कुछ लंबा सा सामान चाहिए ऊपर, जो भी है उसको निकालने के लिए। ओके मतलब देख रहे हो ना, जानबूझ के ये लोग खेल रहे हैं मेरे साथ, पहले ही बोल देते कोई लंबा सामान चाहिए। झाड़ू, इससे काम हो जाएगा ना, डंडा तो लंबा लग रहा है, आई होप इससे काम हो जाए। सीढ़ी निकलेगी इसके अंदर से, सीढ़ी से ऊपर जाना होगा शायद। ओ क्रोबार, ओके इसकी गिरने की आवाज आई, छुप जाओ जल्दी से, बस वेट करना है इविल नन आके कब जाएगी। आ रही है। ये देखो सस्ती सुपरमैन, और हाथ में थॉर का हैमर भी है। सुपरमैन और थॉर टीम अप कर लेंगे तो बस यही पावर्स आएगी, आंख से रेड लाइट, हाथ में हैमर, सही है। अरे अब जा भी, अरे ये तो यही रुक गई, ये क्या बात हुई? हाँ ठीक है, लेकिन इस क्रोबार का करना क्या? अच्छा वो जो हॉल था ना वहां चलते हैं, शायद वहां कुछ हो। बॉक्स ऑफ कुकीज चाहिए अपने को, बिस्किट के डब्बे, आई होप इसके अंदर कुछ हो। हाँ ये तो दिखा, अरे माय कसम, बोलती है कि क्रोबार खतरनाक है, मत खेलो इससे। अच्छा इतनी समझ है, क्रोबार को देख के रिस्पॉन्स कर रही है, ओपी ओपी भाई। ये पता है क्या है, अर्ली एक्सेस है गेम का, ये फुल गेम नहीं आया है अभी, मतलब फुल गेम आएगा तो और अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया। तो मुझे जाना है एक्चुअली हॉल के अंदर है, लेकिन इविल नन वही था। अरे बोल रही है सब, तुम गड़बड़ कर रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, आप लोग जाना चाहोगे तो बोलो, मैं बात करता हूँ इविल नन से। इसके अंदर है बॉक्स ऑफ कुकीज, ये गिरने की आवाज हो रही है, जल्दी खोल, आ ही गई है वो, टक टक आवाज हो रही है ना, पूरा घूम के जाना होगा। ये पीसी पर ना इविल नन चीटिंग कर रही है, मैं बता रहा हूं, जहां पर मैं घूमूंगा वहीं पर आ जाएगी वो, ऐसा थोड़ी होता था मोबाइल पर। Stop behaving like a little child. Face me. ती बच्चे जैसा हरकत मत करो, मुझे फेस करो, मुझे नहीं फेस करना, ये WWE थोड़ी चल रहा है। हॉल जाना है मुझे, हॉल, दो नेल्स और बचे हुए हैं, वो कांटी को तोड़ना है दोनों, और इस बार तो तोड़ ही लेना। Is that... आ रही है
कहां से आ रही है? चारों तरफ। अरे Trying to escape through the front door. I'm sorry, but it won't happen. ये ना एक तरह से मुझे हिंट दे दे रही है कि फ्रंट डोर से भागने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि फ्रंट डोर वही है। ठीक है, थैंक यू इविल नन गाइड करने के लिए मुझे। Where are you hiding? Don't you want to be educated by me? ती कहाँ छुपे हो? मुझसे पढ़ना नहीं है, मेरे को नहीं पढ़ना है भाई। ये मुझे अच्छा बच्चा बनाना चाहती है, पढ़ाना चाहती है। ये इविल नन है या अच्छी नन है? देख लिया, देख लिया, चीटिंग। I can hear your parents crying from here. Don't worry. I'll take care of you as you deserve. वहां से गई नहीं थी, मेरा दो दिन वेस्ट हो गया। सिर्फ तीन दिन, ओके नहीं, दो दिन और बचा है। पता नहीं कितने दिन बचे हैं, लेकिन अब कोशिश करना है कि मरूं नहीं मैं, क्योंकि अब शायद पता नहीं गेम ओवर हो सकता है चार दिन में। आई होप ऐसा नहीं हो। फिर स्टार्टिंग से, अरे भाई साहब उतना दूर जाना है, रास्ते में बस मिले नहीं मेरे को। रास्ते में अगर मिल गई तो किस्मत बहुत ही खराब होगी। रास्ते मत मिलना मनुष, ये देख लो। चीटर, जब तक मैं यहां को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहा था, यहीं पर घूमे जा रही थी, अब मुझे वहां जाना है तो वहां चली गई मुंह उठाकर। क्या किया जाए, कोई सामान भी नहीं मिल रहा मुझे। सामान फेंक देता ताकि यहां आती चेक करने और मैं भाग जाता। भाई ग्रैनी को मारने के लिए फिर भी गन्स आती थी, इसको मारने के लिए क्या किया जाए। आई थिंक आगे जब फुल गेम आएगा ना, तो इसको भी मारने का कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। ये बस रास्ते ही में मिलने ही वाली है मुझे। देख लिया, देख लिया, देख लिया, पता नहीं कैसे देख लिया। अच्छा, वो इतने दूर से कैसे देख लिया था मुझे? मेरे साथ ये चीटिंग कर रही है, पता है। भागते रहे, भागते रहे। बॉक्स ऑफ कुकीज उठाना है, हॉल के अंदर है। लेकिन हॉल का एक तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग रास्ते है ना, मिल गया हॉल। सब रास्ते एक ही जैसे दिख रहे हैं। इसका क्या करना है? इसको ऊपर से ले जाके फेंकना है, ओके, ताकि इसके अंदर जो भी सामान है वो निकल जाए। मतलब इतना खतरनाक बॉक्स है कि हाथ से नहीं खुल सकता है। यहां से कहां ऊपर? ओके, सीढ़ी भी दी है, बढ़िया। मतलब ऊपर से, जितना ऊपर से फेंकूंगा टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, एक और सीढ़ी है, यानी कि और ऊपर जा सकता हूं। मरवा मत देना, ऊपर से गिर के डायरेक्ट मारूंगा, बहुत बुरा लगेगा। ओहो भाई, यहां पे चलेगा? चल तो। अच्छा, यहां से टूट गया फाइनली। पर अब उसमें जो भी था उसको उठाने के लिए नीचे जाना होगा फिर से इविल नन के पास। सीढ़ी से गिर के मर जाऊं तब कैसा लगेगा, इसलिए आराम से उतरना है, गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, बॉक्स के अंदर अब जो भी, ये तीसरा और फाइनल ऑब्जेक्टिव था, तो यानी कि बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ चाबी या फिर वो काटने वाला नहीं आता है चेन, वैसा कुछ होना चाहिए आई होप। लेकिन नीचे कैसे जाऊं, पूरा नीचे गया है। आ रही है ना? आई थिंक आ रही है। आ जा, भागू कैसे, कैसे भागू? भागने का कोई वेंट्स भी नहीं है। साइड से, साइड से। नहीं 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 नहीं, मर गया क्या? ये लास्ट दिन था। I hope your body can withstand this punishment. Otherwise, I'll have to bury you. भाई बच गया, अभी दिन बाकी है, शायद एक या दो दिन और बाकी है, पर रिस्क नहीं लेते हुए अभी इस टाइम पार कर देना है, ठीक है? ये ज्यादा हो गया अब, बहुत मार मार के मेरी खोपड़ी तोड़ दी है इसी विल नन ने। और जितनी बार मरता हूं मुझे लिखना पड़ता है बोर्ड पे, वो एक अलग पनिशमेंट है। आप लोग कमेंट में लिख रहे हो ना, लिख लो अभी अपने नाम के साथ यही स्टेटमेंट। तो फिर से अब उतना दूर जाना है और उम्मीद करना है कि नन ना मिले। बिना रुके अब तो रास्ता याद भी हो गया थोड़ा बहुत, रुकना नहीं है और उम्मीद करना है कि नन रास्ते में ना मिले। मनहूस कहेंगी, मेन एंट्रेंस तो पता है अपने को कि कहाँ है, वो जो हॉल था उसके बगल ही में मेन एंट्रेंस, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। बस वो जो बॉक्स टूटा ना उसका सामान मिलना चाहिए। नीचे जाने के लिए ना कोई सीढ़ी होनी चाहिए, लिफ्ट तो नहीं दिया आई थिंक। अरे
बार मारा ना तो शायद मर भी सकता हूं मैं, गेम ओवर हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो मरना नहीं है। ये क्या है? ओ मिल गई, सीढ़ी मिल गई, खतरनाक। आई होप सही जा रहा हूं मैं। ये ऐसा लग रहा है ग्रैनी के घर में आ गया। ओ भाई चाबी मेन एंट्रेंस की। आई कैंट वेट टू पुट अ मास्क ऑन योर स्टूपिड फेस। बोलती है कि तुम्हारे बेवकूफ चेहरे पर मास्क लगाने का मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, यानी मैं मर गया तब, एक दिन और मरा तो। एंट्रेंस खोलो और भागो। पता नहीं पार हो गए या नहीं, लेकिन लग तो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो गए हैं। एंट्रेंस कहां है? मां कसम हॉल के बगल में था एंट्रेंस, या नहीं है। अरे लीव दैट की वेयर इट वाज, आई वोंट लेट यू ओपन द फ्रंट डोर विद इट। प्लीज फ्रंट डोर खोलने नहीं देगी इस चाबी से। हॉल याद आ, यही कहीं था, कहां था एंट्रेंस रूम याद नहीं आ रहा भाई, गलत टाइम पे भूल जाता हूं मैं। रोते रहे भाग। खुल गया, अरे ये क्या हो गया, मर गया क्या? हिडन अलार्म, मां कसम चीटर लोग। लेकिन मैं भाग गया हूं। ये हिडन अलार्म लगा हुआ था लेकिन मैंने पार कर लिया। भाग, रुकना मत भाई साहब, मजा आ गया। लेकिन इसको पार करने का और तरीका होगा जहां तक मुझे लग रहा है, और ये अभी फुल गेम आया भी नहीं है। चलो देखते और क्या है। ये देख लो लिखा हुआ है ना, इस स्कूल के अंदर और भी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। ओ ये हैमर लेके खड़ी हुई छत पर, ये अच्छी नन। अच्छा वो लॉन्ड्री वाला है, इस वैन के अंदर छुप के भागने वाला मिशन रहता है। हाँ सही है, याद आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ये जो अभी किया ये तो आई थिंक इविल नन पार्ट वन में नहीं था ऐसा कुछ भी, वो जो मोबाइल पर खेला था हमने, लिफ्ट से बैठ के ऊपर आना था, कुछ कुछ ऐसा ऐसा था मोबाइल वाले में। और जब अच्छी वाली नन कपड़ा रखने आएगी तो छुप जाना उस टाइम वैन के अंदर। भी सही ग्राफिक्स बनाया और गेम प्ले भी काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हार्ड भी कर दिया है, हर दो सेकंड पे इविल नन नजर आ जा रही है। अच्छा इस एरिया को यूज करके मैं वैन से अब जा सकता हूं, तो अगर आप लोग बोलोगे तो इसका पार्ट टू भी लाऊंगा, और जो मतलब अभी तक स्केप नहीं किया उसको भी कर सकते हैं हम लोग। जाने से पहले वीडियो को लाइक ठोकना मत बोलना मेरे भाई, वरना इविल नन रात में आएगी सपने में, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, और सब्सक्राइब भी कर ही लेना। चलो टाटा, टेक केयर, बाय बाय।